आज के वीडियो में हम एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जो मराठा स्थापत्य शैली का एक उत्तम उदाहरण है। वैसे तो ये एक कुआं है, पर यह सिर्फ कुआं नहीं, इसमें है एक राजमहल और बहुत सारे सांकेतिक शिल्प। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बारामोटाची विहीर यानी बारा चरसे वाला कुआ। इसका निर्माण छत्रपति शाहू महाराज जी के काल में श्रीमंत बीरूभाई भोसले जी द्वारा सन 1719 से 1724 के बीच में किया गया था। शाहू महाराज जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी आम की बाग बनवाई थी। 3000 से भी ज्यादा आम के पेड़ यहाँ पर थे। आम के बाग के लिए पानी सींचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। वास्तविक में यहाँ पर 15 मोट है, लेकिन यहाँ पर इसमें से 12 मोट कार्यरत थी और अतिरिक्त 3 मोटों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाता था। एक कुआ और 2 रिजर्व कुएं यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अष्टकोनी आकार में बनाई हुई ये बावड़ी, जिसकी गहराई लगभग 110 फीट है और चौड़ाई लगभग 50 फीट है, बेलों के सहारे चरसे द्वारा यहाँ से पानी ऊपर की तरफ खींचा जाता था। यहाँ पर सिर्फ पानी सींचने का काम नहीं होता था, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ऊपर सबसे पहले हमें राज दरबार दिखाई देता है, जहाँ पर शाहू महाराज यहाँ के गांव वालों के साथ चर्चा करते थे। अब चलते हैं नीचे की तरफ। इन सीढ़ियों से उतरकर हम लोग नीचे पहुँचते हैं एक कमरे में। इस जगह को खलबत खाना भी कहा जाता है। यहाँ पर छत्रपति शाहू महाराज और पेशवाओं के बीच जरूरी और महत्वपूर्ण चर्चाएं होती थी। इस महल के दोनों तरफ 3-3 कमान है और मध्य के 2 स्तंभ यादव वास्तु शैली की याद दिलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शिल्प बनाए गए हैं। यहाँ से दोनों तरफ से ऊपर नीचे जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। दोनों तरफ के कमानों पर पर्दे लगाने की व्यवस्था थी, जिसके हुक हमें आज भी देखने मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ के सांकेतिक शिल्प। महल के एक तरफ से हमें 4 बागों के शिल्प दिखाई देते हैं, जिनमें से 2 बागों ने 4 हाथियों को अपने पैरों से जकड़ लिया है। ये उस बात का संकेत है जो मराठा साम्राज्य ने दक्षिण के सल्तनतों को अपने पंजे में जकड़ लिया था। और 2 बाघ जो ऊपर की तरफ छलांग लगा रहे हैं, इसका मतलब मराठा साम्राज्य उत्तर की ओर कूच कर रहा है। महल की दूसरी तरफ हमें 2 व्याल के शिल्प दिखाई देते हैं। अब चलते हैं महल के नीचे की तरफ। इन सीढ़ियों को इस तरह से बनाया गया है, यहाँ से एक वक्त में एक ही आदमी जा सके। नीचे यहाँ पे एक और रास्ता है, जिसे बंद कर दिया गया है। लोगों को मानना है कि वहाँ से खुफिया रास्ता था,
जो यहाँ के आसपास के किलों पर निकलता था। यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज है। बारिश में जब कुएं का पानी बढ़ जाता है तब यह ब्रिज बंद हो जाता है। दोस्तों, इस कुएं का जो आकार है वो एक शिवलिंग की तरह बनाया है। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर और आते हैं सामने वाले तरफ से। यहाँ पर हमें एक कमान पर तोते का शिल्प दिखाई देता है। तोता जो प्रेम, सौभाग्य और वफादारी का प्रतीक है। अष्टकोनी इस कुएं के हर कोन में हमें नाग के शिल्प दिखाई देते हैं। नाग के ऐसे शिल्प जो किसी खजाने की रखवाली करते हो। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कीमती खजाना वो है यहाँ का पानी, जो पिछले 300 सालों से एक बार भी नहीं खत्म हुआ। पिछले 300 सालों से यह कुआं एक बार भी नहीं सूखा। अलौकिक वास्तु शैली का एक खूबसूरत उदाहरण है और ये प्रतीक है अपने राजा के प्रति प्यार का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।